उनके हर एक परिवार को 25-25 लाख रुपए जो रेलवे के नियम के अनुसार वो तुरंत ही 2 दिन के अंदर दिए गए थे, और उसके अलावा जो प्रशासन की जांच के बाद मिले जाएंगे उसमें भी लगभग 7 से 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसको उन्हें जो यहाँ के जिलाधिकारी महोदय हैं उनको उसका चेक एडवांस में दे दिया है, क्योंकि जांच के बाद दिया जाएगा। इसके अलावा जो उनके परिवार के सदस्य को एक नौकरी देने का प्रावधान है उसकी कार्रवाई अभी चल रही है। सर, हरदोई स्टेशन पर आज आपने निरीक्षण किया है, क्या क्या खामियां पाई हैं आपने? खामियां नहीं, हमारा एक रेगुलर इंस्पेक्शन रहता है, जो कि आज हमने संडीला तक हम सुबह गए थे और संडीला से हम सभी स्टेशनों को देखते हुए आ रहे हैं। हरदोई में भी हमने उतर के देखा है कि कहाँ कहाँ पर प्रकाश व्यवस्था है, जहाँ नहीं है वहाँ पर आपने देखा कि उसको दुरुस्त कराने के लिए अगले 8-10 दिन में ठीक किया जाएगा। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए बैठने के लिए शौचालय का साफ़ सफाई है या उनकी टिकट बुकिंग है, तो उन चीज़ों की इस व्यवस्था देखी है, और जहाँ जहाँ पर सुधार की आवश्यकता है उसके लिए संबंधित जो हमारे सुपरवाइज़र्स हैं उनको बोला गया है।